नमस्कार दोस्तों, पेश हैं प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 में उदयपुर ने प्रदेश में पहला और देश में 17वां स्थान पाया है। मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत आने वाले 126 शहरों की रेटिंग जारी की है, जिसमें उदयपुर को 3 स्टार मिले हैं। हवाई सफर ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के थमते ही महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर यात्री भार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। दूसरी लहर के दौरान मई माह में उदयपुर से महज 188 फ्लाइटों ने उड़ान भरी थी, जिनमें 10,359 यात्रियों ने सफर किया था, जबकि जून के 25 दिनों में ही 191 उड़ानों में 14,086 यात्री सफर कर चुके हैं, जो पिछले माह से 3,727 ज्यादा हैं। सेना भर्ती रैली। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की रविवार को अंतिम तिथि है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 14 मई से शुरू किए गए थे। पंजीकरण कराने के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उनकी ईमेल पर भेजा जाएगा। प्रदेश भर की रैली अजमेर की कायड़ा विश्राम स्थली में आयोजित होगी। इसके लिए 11 जुलाई से 2 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। भर्ती प्रक्रिया सुचारू हो, इसके लिए सेना और जिला प्रशासन के अधिकारी पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। भाद्राजुन थानेदार सस्पेंड। डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में आरोपी के परिवार की 2 महिलाओं से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का थानेदार का दावा उल्टा पड़ गया। थानेदार ने रिकॉर्डिंग से बचने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल किया, लेकिन 2 में से 1 महिला ने दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। वैक्सीन लगवाने आए युवाओं ने डॉक्टर को काट खाया। जिला मुख्यालय की मानटाउन PHC में शनिवार को वैक्सीनेशन को लेकर 2 युवाओं की डॉक्टरों से कहां सुनी अचानक झगड़े में तब्दील हो गई। युवाओं ने वैक्सीन की दूसरी डोज गलत लगाने के आरोप में डॉक्टर पर हमला कर दिया, उसे मुंह से काट खाया तथा मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके बाद नाराज मेडिकल स्टाफ ने काम का बहिष्कार कर दिया। घड़ियालों के बच्चों को बचाने की कवायद। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियालों के बच्चों की परवरिश के लिए अब तैयार होंगी हैचरी। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। बिना वैक्सीनेशन छात्र देंगे एग्जामिनेशन। 15 बड़ी परीक्षाओं में शामिल होंगे 80 लाख छात्र। यूनिवर्सिटी एग्जाम अब अलग से प्रस्तावित। टफ फॉर्मूले की तैयारी। CBSE से 8वीं या 10वीं करने के बाद राजस्थान बोर्ड में आए तो वे ही मार्क्स जुड़ेंगे। संकाय बदलने से भी फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अनलॉक राजस्थान की नई गाइडलाइन। धार्मिक स्थल शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लगी है तो 7 बजे तक खोल सकेंगी दुकानें। 1 जुलाई से शादी में 40 लोग शामिल हो सकते हैं। फोन टैपिंग का मामला। भंवरलाल बोले कि टैप्स में सुनाई जा रही आवाज़ मेरी नहीं है। वॉइस सैंपल देने को कहने वाले शेखावत कौन होते हैं?